नमस्कार, ऐसे में इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं पुरानी दिल्ली फतेहपुरी के अंदर और यहाँ पे जो चर्च है, चर्च गेट के सामने जो पार्किंग वाली जगह है वहाँ पर हैं और यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा भी लगी हुई है और यहाँ पे हमारे साथ आर एस गौतम जी हैं। गौतम साहब, आप लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं वो बताएं। सर, ये जो प्रतिमा है बाग द्वार स्थित, ये 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। इसके साथ ये 1956 में 1956 में बुद्ध पूर्णिमा जो 25वां अब भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था उस समय ये इसका उद्घाटन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्मा के प्रधानमंत्री मियागी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और तब से ये चली आ रही है। इसका मतलब किसी को पता नहीं था ज़्यादातर और इसमें कुछ सालों के बाद में ये बहुत कूड़ा उड़ा यहाँ पर हो गया था। एक हमारी रंजना है, उन्होंने इसको उठाया। उठाने के बाद जो शांति देसाई यहाँ के मेयर थे भूतपूर्व, उनसे निवेदन किया भाई इसका विकास करिए कुछ, तो उन्होंने चलो इसे कूड़ा उड़ा हटवा कर ये रेलिंग लगवा दी। और ये 1985-86 की बात है जब मेयर साहब ने इनको ये सारी कहानी लगवा दी गई, तो इसके बाद भी यहाँ पर ये चलता रहा और ये भगवान बुद्ध के नाम से ही ये थी। और इसके बाद यहाँ पर 2002 में जो यहाँ कॉरपोरेशन है MCD, उन्होंने पार्किंग में इसको घेर लिया। हमने कई बार इसको लिखा और लिखने के बाद हमने एक महीना पहले भी पत्र व्यवहार किया है जिसमें हमने राष्ट्रपति जो भारत सरकार के उनसे निवेदन किया है कृपया जो हमारा ये बुद्ध विहार है बाग दीवार स्थित पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार का रूप दिया जाए, बनाया जाए और इसमें अच्छी तरह इसको विकसित किया जाए। इसके बाद हमने प्रधानमंत्री को भी एक लेटर दिया है, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है, इसके बाद हमने समाज कल्याण मंत्री, इसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, इसके बाद और यहाँ के जो मेयर हैं, यहाँ के जो MCD के मेयर हैं उनको चिट्ठी दी है, वहाँ के साथ में जो चीफ इंजीनियर हैं उनको चिट्ठी दी है। उसके बाद हमने बहुत सारी चिट्ठी कार्रवाई की है और इसके साथ साथ अब हमने ये निर्णय किया है कि हम हर शनिवार को यहाँ पर 9 से 10 बजे तक हम देशना करेंगे और यहाँ हम करते आ रहे हैं। आज हमने एक प्रोग्राम रखा है बहुत शॉर्ट टाइम में क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही आएंगे, एक महीना हमें हुआ भी नहीं है। हमने ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है आज का और इसके साथ हम ये चाहेंगे भारत सरकार से भी कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार के नाम से विकसित किया गया है क्योंकि दिल्ली के अंदर ये फतेहपुरी चांदनी चौक के अंदर यहाँ पर जैनियों के मंदिर हैं, आपके सिखों का मंदिर है और हर तरह के मंदिर है लेकिन बौद्ध मंदिर नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय इस तरह का होना चाहिए। जो पर्यटक आते हैं विदेशों में, जो नाम है भगवान बुद्ध का नाम है, जो भी हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हमारा डेलीगेशन जाता है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं, तो बहुत सारे विश्व स्तर का है ये तो। और आपके वर्ल्ड में भी ये तीसरा इसका स्थान है बौद्ध धर्म का, पॉपुलेशन के नाम से तीसरा इसका स्थान है। तो हम तो भारत सरकार से ये चाहेंगे इसको एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार के नाम से विकसित किया जाए और हमें एक कार्यालय बना के दिया जाए ताकि हम इसकी देखें। 1956 में आपने बताया कि नेहरू जी ने इसका उद्घाटन करा था, तो क्या कारण है कि आपने 1956 के बाद आज आपको याद आई कि आप तो उम्र में भी काफ़ी बुजुर्ग नज़र आते हैं, तो क्या कारण है कि आपको आज याद आई है कि इसको निर्माण किया जाए? देखो, इस समय किसी को पता नहीं था, ये ऐसी ढका हुआ आता है तो कूड़े करकट में दबा हुआ आता है, इसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया, निकाल करके इसको विकसित किया गया है और ये कराया गया। इस वजह से जब हमें इसको पता लगा और पता लगाने के बाद भी भगवान बुद्ध तो सबके लिए हैं, एक के लिए तो है नहीं, इनके जो उद्देश्य वो सबके लिए हैं, जैसे तीर्षण है, पंचील है, ये सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं है। जिसने पानाति पाती बेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, अधीन दाना बेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, कामेश्वर मिचाचारा बेरमणि सिक्का समाधियामि, मूसावादा बेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, सुरा मेर मज पमाद ठाना बेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, ये जो सील है ये बौद्धों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है कि हर इंसान इसके ऊपर चलेगा तो अच्छी सुखी हो पड़ेगा। और गौतम जी ने बताया, आपका पहले नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील बौद्ध है। सुनील जी, आप भी इस पत्र व्यवहार में गए होंगे कई जगह नेताओं के पास, तो क्या लगता है कि क्या आश्वासन दिया आपको उनकी जो कार्यशैली है उससे क्या लगता है कि आपका कार्य हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो बुद्ध की ये जमीन है वो आपको मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, क्या रहा नेताओं से वो बताएं? सर देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा MCD से लेकर तमाम डिपार्टमेंटों में ये लेटर गया है, दिल्ली गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमने दिया है। अभी तक जितने भी लोगों से हमारा मिलना हुआ, जितने भी मंत्री लोगों से, नेता लोगों से या जो भी अधिकारी लोगों से मिलना हुआ है, सबका आश्वासन बहुत पॉजिटिव रहा है। एक्चुअली क्या है कि इस जगह के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, खुद हमारे अफसर लोगों को जानकारी नहीं थी क्योंकि समय बहुत हो चुका है इस चीज़ का, तो अब उनके संज्ञान में आया है और उनकी एक्टिविटी पूरी चालू है और वो हमारे साथ आज खड़े हुए हैं। और अभी आप देख ही रहे होंगे सामने ये MCD की गाड़ी लगी है, सफाई चालू हो गई है। MCD की सफाई करवाना वो कोई बहुत बड़ा विशेष कार्य नहीं होता है, आप अपनी गली में भी कार्य करवा सकते हैं। तो लेकिन नेताओं ने क्या आपको आश्वासन दिए हैं और क्या लगता है कि क्या कहाँ तक कार्य हो पाएगा? यहाँ पे जो जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पे पार्किंग का अतिक्रमण है, तो पार्किंग के जो अतिक्रमण होता है उसको हटा पाना, तो अपनी गली के सामने से लोग अपनी गाड़ी को नहीं हटवा पाते हैं, तो आप कैसे हटवा पाएंगे, क्या क्या रणनीति
रहेगी आपके इस पे? सर देखिए, अभी हमारी शुरुआत है, हमारी एक्टिविटी यहाँ पे चालू हो चुकी है और ये हमारे को एक जन आंदोलन के रूप में लेके जाना है और हम अड़े हुए हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो यहाँ स्थापित है 1956 से, हमारी ये मान का सम्मान है, हमारे क्या नाम है, हमारे जो इसका मान सम्मान है ये पूरे भारत के उस पर है, तो इसलिए हम इस पर अड़े हुए हैं। और अभी तक आपने कहा कि ये जैसे कि ये क्या हट पाएगी, नहीं हट पाएगा, ये ज़रूर हट पाएगी और इसके लिए कार्रवाई पूरी चालू है। हमारे डीसी साहब से भी बात हुई है, डीसी कमिश्नर ये जो एमसीडी के हैं उन्होंने भी पूरा पॉजिटिव इसमें बोला है, वो कह रहे हैं कि हम इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जो पार्किंग आप देख रहे हो अभी फ्रंट पे वो कच्ची पार्किंग है, कोई पक्की पार्किंग नहीं है कि उस पर ज़्यादा हमें एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ये हो जाएगी। गौतम जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था पक्की पार्किंग ऑथराइज तरीके से इसकी पर्ची बनाते हैं, तो आप कह रहे हैं कच्ची पार्किंग है? नहीं सर, ये सामने जो देख रहे हो वो कच्ची पार्किंग है, जो मेरे बैक साइड में देख रहे हो वो पक्की पार्किंग है। वो पक्की पार्किंग जी सर। क्यों हटाना जरूरी है बुद्ध की इस धरोहर से लोगों को? नमोदय जय भीम, मेरा नाम सूरज भान है, मैं इसी विधानसभा चांदनी चौक को बिलोंग करता हूं और यहां से अनऑथराइज्ड पार्किंग हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थल है। इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थल के लिए बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हम सभी लोग इसके लिए समर्पित हैं और हम सभी लोग सड़कों पर भी आना पड़ा तो हम सड़कों पर आएंगे, सभी नेताओं राजनीतिज्ञों सभी पार्टियों से हम संघर्ष करेंगे और इस तीर्थ स्थल को हम पुनः डेवलप करेंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये बुद्ध की प्रतिमा है इसको ज़रूर एक बार दिखाएं और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये काफ़ी ज़्यादा गड्ढे के अंदर आ गई है। कैमरामैन को बोलूँगा मैं इसको एक बार दिखाएं प्रतिमा को। ये जो बुद्ध की धरोहर है यहाँ पे इन्होंने लोगों ने सफाई करवाई है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे गड्ढे में चली गई है पूरी की पूरी प्रतिमा और ये दूर दूर तक आप जो देख रहे हैं ये सारी पार्किंग आप देख पाएंगे कि सारी जगह पर इन्होंने जाल वाल लगा दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा वो नहीं है, कूड़े की गाड़ी भी खड़ी हुई है, यहाँ पर सफाई अभियान भी चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी तमाम लोग आए हुए हैं, समाज से भी लोग आए हुए हैं। और गौतम साहब एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आपका क्या रहेगा आगे का रोल? अगर हम देखिए, बात तो माननी पड़ेगी, अगर विश्व में भारत का नाम करना है क्योंकि बौद्ध धर्म के नाम से विश्व में ज़्यादातर जाना जाता है और अगर इनको हम मान तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि ये विश्व धरोहर है, ये एक हमारा प्रधानमंत्री जो फर्स्ट प्रधानमंत्री उन्होंने इसका उद्घाटन किया, उसका मान सम्मान नहीं रखेंगे कैसे होगा? और ये तो समता स्वतंत्रता और बंधुता का प्रतीक है, हर बौद्ध धर्म इसमें सबका भला है, सबका वो है और ये मानने वाले स्थल है और इसको मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो हम इसको हम धरना भी देंगे, यहाँ तक अगर मुझे करना पड़ा तो मैं आमरण अनशन भी करूँगा इसके लिए। हमारे साथ हैं रंजना आटे जी जो बहुजन समाज के लिए बहुत टाइम से काम कर रही हैं और यहाँ पे प्राचीन मूर्ति है गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध की, जो गड्ढे में चली गई है और रंजना आटे जी ने यहाँ पे बहुत समय, अपना एक जवानी का समय, बहुत महत्वपूर्ण समय इस भूमि पर लगाया है, तो हम उन्हीं से बात करेंगे। रंजना आटे जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। रंजना आटे जी, ये बताइए, आप ये जो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है ये कब से लगी हुई है और आपने इसको निकालने के लिए और इस भूमि पे जो अतिक्रमण हो रखा है उसके लिए आपने क्या क्या कार्य करा वो बताएं? पहले ये जो एरिया था, ये पूरा जो क्षेत्र था, ये कंपनी बाग था जी। तो यहाँ पर चांदनी चौक में आपको पता है कि बहुत सारे दो दो मस्जिद है, मंदिर है, यहाँ पर चर्च है, तो उस समय नेहरू जी थे प्रधानमंत्री देश के, तो उस समय नेहरू जी भगवान बुद्ध को मतलब मानते थे, तो उन्होंने क्या किया कि भगवान बुद्ध का 2500वां महापरिनिर्वाण दिवस और उनका जन्मदिन भी महापरिनिर्वाण दिन और उनका मतलब प्रवर्तन दिन भी माना जाता है, धम्म परिवर्तन दिवस भी माना जाता है, तीनों जो दिन है वो एक ही दिन में था, 2500वें उनके जन्मदिन पर इन्होंने ये प्रतिमा स्थापित की थी। आप हमारे साथ रंजना देसाई थे, हम आपको दिखा दें दोबारा से कि ये बुद्ध की जो प्रतिमा है अभी कम से कम 5 फुट से ज़्यादा गहरे गड्ढे के अंदर चली गई है, आप देख रहे हैं हमारे साथ में बुद्ध की प्रतिमा है और यहाँ पे आज भी लोग आते हैं और धूप बत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश गौतम है। ब्रह्म प्रकाश जी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं आ तो रहूं काफ़ी टाइम से लेकिन जागृति अभी आनी चालू हुई है। जागृति अभी आने जी, लेकिन जैसे अभी रंजना जी बता रहे थे कि धरोहर को बचा रहे हैं, एक गड्ढे में रह के आप बुद्ध की धरोहर को बचा रहे हैं, किस तरीके से ये तो धरोहर बच नहीं रही है ना और खंडित होती जा रही है? नहीं बचाएंगे, चाहे जान चली जाए, और कॉन्टेक्ट है हमारे लोगों से मिलने जुलने के और हम आज ये लगभग 5-6 फुट से ज़्यादा गड्ढे में चली गई है, यहाँ पे पौधे नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे एक दरअसल बात क्या है कि जो मनुवादी लोग हैं ये भगवान बुद्ध के विरोधी हैं और जहाँ जहाँ इस प्रकार की स्टैचू हैं जो लुप्त होती जा रही हैं
उन लोगों को ये और लुप्त करते जा रहे हैं जी। अब हमारे लोगों के अंदर जागृति आ रही है जिससे कि जहाँ जहाँ भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति हैं तथागत की मूर्तियाँ हैं उनको सही रूप से इनोवेट करके। प्रकाश जी, आप किस तरीके से बुद्ध की यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको कैसे बचा पाएंगे? देखिए, बिना संघर्ष है ना कुछ नहीं हो सकता। अब हम जो है ना सरकार के संज्ञान में डालेंगे कि भाई इसको जो है ना एक भगवान तथागत का जो है ना बुद्ध विहार बनाया जाए और अपने जो लोग हैं संगठित लोग हैं उनको भी विनती करेंगे कि यहाँ कंटिन्यू आएँ और यहाँ पर अपना जो दान है वो करें ताकि इसका निर्माण किया जा सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।